नमस्कार दोस्तों, अतरंगी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ दुबई को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कतर को दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से माना जाता है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं दुबई और कतर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी हैरान कर सकती है। दोस्तों, कतर मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है, जिसे की अरब दुनिया का सबसे बेहतरीन देशों में से माना जाता है, जबकि दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात सबसे मशहूर और विकसित एक शहर है। दोस्तों, दुबई अपने अजीबो गजीब कारनामों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा भी यहाँ का शहर और ऊंची इमारतें, यहाँ की पुलिस और यहाँ का मेट्रो व्यवस्था, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब और ऐसी काफी सारी इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जबकि कतर को दुनिया का सबसे धनी और काफी उभरता एक देश माना जाता है। कतर के मुकाबले दुबई दो गुना से भी अधिक छोटा है, लेकिन फिर भी दुनिया का मशहूर शहर होने की वजह से दुबई की आबादी कतर के मुकाबले काफी ज्यादा है। आज के दिनों में कतर की आबादी जहाँ सिर्फ 30 लाख है, वहीं दुबई की आबादी लगभग 70 लाख से भी अधिक है। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि कतर की इस 30 लाख आबादी में सिर्फ 12% लोग ही कतर के रहने वाले बासिंदे हैं, और यहाँ की 88% आबादी बाहर देश से रहने वाले काम करने वाले लोग हैं। जबकि दुबई में नागरिकों की संख्या कतर के मुकाबले काफी अधिक है। दुबई के मुकाबले कतर में महिलाओं की आबादी काफी कम है, और कतर में हर 100 लड़के के लिए 50 लड़कियां ही मौजूद है, जबकि दुबई में लड़कियों की संख्या कतर के मुकाबले काफी अधिक है। दुनिया के ज्यादातर लोग जानते हैं कि दुबई में रहने वाले लोग काफी अमीर होते हैं, लेकिन एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि कतर में रहने वाले लोग दुबई के लोगों से भी काफी अमीर होते हैं, और कतर के लोगों का प्रति आदमी इनकम दुबई के लोगों से दो गुना से भी अधिक है। कतर में रहने वाले लोगों में हर तीसरे घर में रहने वाले लोग अरबपति होते हैं, और यहाँ पर गरीबों की मात्रा भी लगभग ना के बराबर है, और यही कारण है कि कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। दुबई के मुकाबले कतर में मुसलमान को छोड़कर दूसरे धर्म के लोग ज्यादा मात्रा में रहते हैं, लेकिन कतर का कानून दुबई के कानून से काफी सख्त माना जाता है। उदाहरण के तौर पर दुबई के बीचों में महिलाएं बिकिनी या छोटे कपड़े में आराम से घूम सकती है, जबकि कतर में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा के अनुसार कतर में रहने वाले लोगों का रहन सहन दुबई में रहने वाले लोगों से काफी अच्छा माना जाता है। दुबई के बारे में एक बात काफी चौंकाने वाली है कि पिछले 40 सालों में दुबई का इनकम बढ़ने की मात्रा लगभग 2.5 गुना से भी अधिक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।